डियर आईसीएसई एंड आईएएस स्टूडेंट, 2022 के सेमेस्टर टू बोर्ड एग्जामिनेशन, या कह लीजिए कि इंटीग्रेटेड आईसीएसई एंड आईएएससी के सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट देने को सीआईएससी तैयार है। इसको लेकर 21 जून को उसने दो बड़े अपडेट दिए हैं। पहला अपडेट साफ साफ कहता है कि सीआईएससी इस बात के लिए तैयार है कि वे जुलाई के फर्स्ट वीक से लेकर सेकेंड वीक तक रिजल्ट पब्लिश कर दे। यहां पर इसके पीछे उसने तर्क दिया है जो स्क्रीन पर आप प्रूफ देख रहे होंगे। यह बताता है कि सीआईएससी ने अपने हॉटलाइन नंबर के साथ साथ स्कूलों से कांटेक्ट नंबर और हेल्पलाइन नंबर को अपडेट किया है। पहले के नंबर और अब के नंबर बदल दिए हैं। तो इन नंबरों का क्या उपयोगिता है या ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? दो वजह है। पहला तो स्टूडेंट और पेरेंट्स सीआईएससी से कांटेक्ट करना चाहते हैं। दूसरा रिजल्ट को लेकर कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, विसंगतियां होती हैं, तो स्कूल भी कांटेक्ट करना चाहते हैं सीआईएससी से। इन दोनों ही कंडीशन में सीआईएससी एक परफेक्ट हेल्पलाइन नंबर रखना चाहता है और उस हेल्पलाइन नंबर को अपडेट कर दिया है। इस हेल्पलाइन नंबर के अपडेट करने का मतलब हो गया कि यदि रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट पाते हैं कि उनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आ चुके हैं रिजल्ट में और वे इनको सुधरवाना चाहते हैं और स्कूल उसके लिए ध्यान नहीं देता है, ऐसे बहुत सारे केसेस पास्ट में आए हैं, उस कंडीशन में डायरेक्ट सीआईएससी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल नंबर और हेल्पलाइन नंबर को अपडेट करते हुए सीआईएससी ने पब्लिक डोमेन में साफ साफ कहा है कि यह बातें इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट कभी भी चाहे तो वो सीआईएससी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो राइट टू इंफॉर्मेशन है और उसके अपडेशन वाली बातें हैं, इससे काफी कुछ स्टूडेंट को, उनके पेरेंट्स को मदद मिल जाएगी। दूसरी बात है कि स्कूल, बहुत सारे आईसीएसई अफिलिएटेड स्कूल देश भर में और विदेशों में भी है, वे रिजल्ट में कुछ तरह की गड़बड़ियां होती है या डाउट होते हैं, उनको क्लियर करना चाहते हैं। सीआईएससी ऑफिशियल देन एंड देयर अवेलेबल हो, ऑनलाइन हो, इसके लिए सीआईएससी ने उन हेल्पलाइन नंबर के साथ साथ ईमेल को भी अपडेट कर दिया है। इसका मतलब यह हो गया कि यदि स्टूडेंट अपनी स्कूलों तक पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम है और इनका इस तरह से सॉल्यूशन चाहिए या ये सॉल्यूशन चाहते हैं, स्कूल यदि स्टूडेंट की बात से सहमत होते हैं, तो उस कंडीशन में स्कूल है सीधे सीआईएससी को कॉन्टेक्ट करेंगे और उस डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के लिए पर्टिकुलर वे को दिखलाया गया है इस लेटेस्ट अपडेट जिसको सीआईएससी चीफ डेरी राठौर ने दिया है। सेकंड और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह सामने आ रही है रिजल्ट को लेकर कि इस रिजल्ट को बेहतर वे में किस तरह से दिखलाया यानी कि प्रेजेंट किया जा सके। जो भी रिजल्ट को लेकर अभी तक के रिपोर्ट हैं, बातें आ रही हैं या कई सारे सिचुएशन सामने आए हैं, उन सभी से यह तो पता चलता ही चलता है कि आईसीएसई एंड आईएससी के सेमेस्टर टू बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट सेमेस्टर वन बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट की तुलना में बेहतर हो, प्रेजेंटेबल हो और स्टूडेंट इनको हार्ट फेल्ट एक्सेप्ट करें, विलिंगली उनको इन बात के लिए रहे। तो इस रिजल्ट को लेकर कई सारे लेवल पर डिस्कशन चल रहे हैं। मतलब यह हो गया कि ये रिजल्ट आईसीएसई एंड आईएससी के सेमेस्टर टू वाले तैयार है। अब क्या सीआईएससी इस विषय पर भी अपडेट कर सकती है कि वह फाइनल रिजल्ट को किस तरह से देगी? तो एकदम इस बात के अपडेट के लिए आप तैयार रहिए। सीआईएससी 26 जून के बाद कभी भी यह इंफॉर्मेशन दे सकती है कि विद इन 3 डेज या विद इन 5 डेज वह रिजल्ट को पब्लिश कर देगी। अभी 26 जून इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सीआईएससी 25 से 27 के बीच में एक पूरे तरह से समेटिव व्यू तैयार कर लेगी। इसी बीच आप क्लास 10th के लिए 2023 के जो ओसवाल का सैंपल पेपर, सॉल्व्ड सैंपल पेपर है, ये काफी उपयोगी है और कलरफुल वे में दिया गया है, जिस पर इस समय कंप्लीटली 70% ऑफ अमेजॉन पर है। इसी के साथ आईएससी के भी इस बुक पर करीब 70% के क्वेश्चन बैंक है साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो बने रहिए। मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल को जरूर सब्सक्राइब।